विपक्ष भी आप पे सवाल करता है जो नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं कि आजकल जितेंद्र भड़ाना जी गलियों का कार्य बहुत जल्द जल्दी में करवा रहे हैं, आगे इनके पास फंड आ कहां से रहा है, उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए अब ये तो खुद के बस की है नहीं जी, और जो काम हम कर रहे हैं उन पर यही अंकुश लगेंगे। उन्हें दो तरह की बीमारी है, एक तो पहले कभी वो कहते हैं कि जीते भाई काम नहीं कर रहे, और काम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इनके पास फंड कहां से आ रहा है, आईडी सीआईडी सीबीआई सब तुम्हारे पास है, इंक्वायरी करा लो कहां से करा रहा हूं, मैं अपने घर बेच के करा रहा हूं, अपना खून बेच के करा रहा हूं, अपने आप को गिरवी रख के करा रहा हूं, जिस क्षेत्र ने मेरे 10 पार्षद उनके नीचे आते हैं, पर मैं कह रहा हूं 10 गुना भी छोड़ दीजिए, मैंने 52 गली बनाई है तो 52 गली बनवाइए विधायक से भी, और 52 गली बनवाइए सांसद से भी, 150 गली अगर यहाँ सिवदुर्गा बिहार में बन जाएंगी तो क्या कुछ यहाँ पे बचेगा? क्या मुझसे ज्यादा वोट लेके नहीं गए अपने चुनाव में? विधायक तो यहीं से जीत के गए हैं माननीय विधायक, तो सांसद जी को भी 11-12 हजार वोट यहाँ से मिलके गए हैं। मेरे तो चुनाव जब भी मेरे साथी यहाँ के लड़े थे मुझे जिता के भेजा है, तो मैं तो काम कराऊंगा, कराता रहूंगा, मेरी पहचान काम से है, व्यवहार से है, सम्मान से है, उसे मैं कराता रहूंगा। उनके पेट में दर्द है, उसकी दवाई उन्हें इस चुनाव में मिल जाएगी। जैसा कि आपने बूचर खुद सरदार।